आप सभी लिसनर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम करंट अफेयर के कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? ठीक है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया गया है। मैं आपको बता दूँ कि इन दिनों जब ज़्यादातर लोगों के हाथों में दिन के अधिकांश वक्त मोबाइल रहता है, तब ऑल इंडिया रेडियो ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के सहारे एक बार फिर इस माध्यम में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। ठीक है, इसी से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ कि आकाशवाणी की शुरुआत कैसे हुई। भारतीय रेडियो प्रसारण की पहली संगठित शुरुआत 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बम्बई, जो कि अब मुंबई केंद्र से हुई थी। वर्ष 1930 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस माध्यम के महत्व को समझते हुए इसे अपने नियंत्रण में लेकर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम दिया, जो 1936 से ऑल इंडिया रेडियो के नाम से पहचाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस एकमात्र सार्वजनिक सरकारी प्रसारण माध्यम का नामकरण आकाशवाणी कर दिया था। ठीक है, तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? 23 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया? एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका सही आंसर है सेवलॉन। मैं आपको बता देता हूं कि एसोचैम ने सेवलॉन के साथ इलनेस टू वेलनेस इनिशिएटिव के लिए समझौता किया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को अच्छी आदतें, खाने पान, एक्सरसाइज, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। ठीक है, तो एसोचैम ने किसके साथ समझौता किया? एसोचैम ने सेवलॉन के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? तो निवेश मंजूरी सेल गठित किया गया है नागरिक उड़न मंत्रालय द्वारा। मुंबई 18 जुलाई नागरिक उड़न मंत्रालय ने घरेलू विमान उद्योग में विभिन्न निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए एकल खिड़की मंजूरी तंत्र स्थापित किया। मंत्रालय ने ट्विटर से बताया कि नागरिक उड़न मंत्रालय शीघ्र सहायता और मंजूरी के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित कर रहा है। इस सेल की स्थापना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-2021 फरवरी के केंद्रीय बजट में भी करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सुमित देव। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई। भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में इसको स्थापना हुई है। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। ठीक है, तो एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में सुमित देव को चयनित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है सोनू सूद। बता देता हूँ कि सोनू सूद जो कि एक अभिनेता हैं, हजारों प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाकर उनकी मदद कर चुके हैं। अब सोनू सूद ने जॉब हंट ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। लोगों को जॉब दिलाने की कोशिश में उनसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया? सोनू सूद ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना की शुरुआत करी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में निवेश करने की चाह रखने वाले अब राज्य उद्योग के निवेश संवर्धन ब्यूरो के अधीन स्थापित वन स्टॉप शॉप में एक छत के नीचे 98 प्रकार की मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। स्पेसएक्स क्या है? स्पेस
एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन स्पेसएक्स के रूप में व्यवसाय कर रहा है। यह एक निजी अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवाओं की कंपनी है, जिसका मुख्यालय हैथार्न कैलिफोर्निया में है और जिसके संस्थापक इलॉन मस्क है। अब NSS-2 ये क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि NSS-2, जिसे पहले CAMELSAT-COM-1 कहा जाता था, दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य टोही उपग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो MD और CEO PC कांडपाल को नियुक्त किया गया है। SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड भारतीय स्टेट बैंक और बीमा ऑस्ट्रेलिया समूह IAG के बीच एक संयुक्त उद्यम है। SBI के पास कुल पूंजी का 74% है, वहीं IAG के पास 26% है। ठीक है, इन वर्षों में SBI जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय स्टेट बैंक की 18,500 शाखाओं में अपनी उपस्थिति स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। मैं आपको बताता हूँ कि सूरत सहित देश भर में के सभी निजी स्कूल गुरुवार से अनिश्चितकालीन के लिए पूरी तरह से बंद हो गए। स्कूलों में चल रही ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो जाएंगी। स्वनिर्भर स्कूल संचालक मंडल ने बुधवार को यह ऐलान किया है। इनमें सभी माध्यम के गुजरात बोर्ड और CBSE से जुड़े स्कूल भी शामिल हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 16 जुलाई को जारी अधिसूचना बुधवार को सार्वजनिक होने के बाद निजी स्कूलों ने यह फैसला किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन, किस देश में ATGM ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका सही आंसर है भारत। मैं बता देता हूँ कि इस मिसाइल की क्षमता की बात करें तो यह 4 किलोमीटर तक किसी भी टैंक को ध्वस्त कर सकती है। यह पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल है। ठीक है, इसे DRDO ने बनाया है। इस मिसाइल को टैंक रोधी मिसाइल ATGM प्रणाली से लैस किया गया है। इस मिसाइल के लिए एक वाक्य इस्तेमाल करते हैं, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। बता दें कि इस मिसाइल के भारतीय सेना में बेड़े में शामिल होने से भारतीय सेना और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगले सेशन में हम आपके साथ कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।